किसान भाई नमस्कार। आज हमने ये ट्रैक्टर खोला था, इस ट्रैक्टर में समस्या क्या आई थी ये बताना जा रहा हूँ आपको। इसमें समस्या आई थी आयल सील लीकेज होना, ये क्रेन से आयल लीकेज होने से, ये आयल सील है, ये आयल सील लीकेज होने से इसमें क्लच प्लेट भी ख़राब हो चुकी है। क्लच प्लेट बताना बेटा, ये क्लच प्लेट है, इसमें आयल की वजह से क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी थी। ये क्लच प्लेट पूरी ख़राब हो चुकी थी आयल की वजह से, ये क्लच प्लेट भी चेंज करना पड़ेगी और आयल सील भी डालना पड़ेगी। क्लच प्लेट बताओ सर, नई वाली, नई क्लच प्लेट बताना। ये नई आयल सील है, ये वाली नई आयल सील है, आयल सील डालेंगे इसके अंदर टेपे की। और ये क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है इसकी, इसको नहीं डालेंगे। इसमें सब क्लच प्लेट ख़राब होने का कारण है आयल लीकेज होना, आयल लीकेज हुआ उस चीज़ से क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी थी। ये अपने किसान भाई है, मोड़ी रहते हैं, इनसे ट्रैक्टर की जानकारी लेंगे अपन, ट्रैक्टर में क्या समस्या आ गई थी ये पूछेंगे किसान भाई से। नमस्कार भाई। नमस्कार। ये ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम आ चुकी थी अपने? इसमें क्लच काम नहीं, गियर नहीं आ रहे थे, मतलब अच्छा गियर नहीं आ पा रहा था, आ पा रहे थे इसमें। तो उसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये जैसे कि अपन लोड पे जैसे रेस तो पकड़ रहा था, हाँ वो लोड नहीं ले रहा था। अच्छा लोड नहीं ले पा रहा था। हाँ, लोड नहीं ले पा। अच्छा अच्छा, ये इसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या आ गई थी। इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, आयल इंजन का आयल लीकेज होने से क्लच प्लेट आपकी ख़राब हो गई थी। ख़राब होने पे आपका क्लच लोड नहीं ले पा रहा था, मतलब क्लच आपका काम नहीं कर रहा था, मतलब ट्रैक्टर जो लोड लेता है ना लोड नहीं ले पा रहा था, है ना, वो प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप ट्रैक्टर चला के बताना हमको क्या दिक्कत है, या आपका काम हो रहा है अभी ट्रैक्टर का, है ना? ठीक है सर। आयल के आपको अगर सफाई करना हो, इस तरीके से सफाई करना है, इसको राखड़ा बोलते हैं, राग भी बोलते हैं, और एक और भाषा में बोलते हैं इसको टाटली। दोनों साइड से ट्रैक्टर की सफाई चल रही है, ये पूरे होजिंग में आयल हो चुका था, इस तरीके से सफाई करना चाहिए। ये सफाई हो चुकी है शानदार। ये आयल सील है, इस आयल सील को डाल रहा हम नहीं, आयल सील लीकेज हो चुकी थी, आयल सील पुरानी पड़ी है इसकी, आयल सील या ये आयल सील लीकेज होने से क्लच प्लेट खराब हो चुकी है। ये आयल सील डाल के बताएंगे आपको। सब कुछ भी तैयार हो गया काम, इस पैकिंग के होल मिला के लगाना है आपको। इसको होल किस तरीके से मिलते हैं, ये होल छोटे बड़े भी होल इसमें पास में, ये इस तरीके से लगाना आपको। मिल चुके इसके, ऐसे कपड़ा मारकर फिर आपको पैकिंग वैकिंग साफ करने के बाद ये पूरा पैकिंग वैकिंग लग जाए, फिर इसको इस तरीके से लगाना है आपको। ये पैकिंग का जो मुंह बना हुआ है ये नीचे साइड में रहना चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है आयल सील। ये आयल सील लगाते समय में देख लेना कचरा वचरा का आयल सील पर भी रहना चाहिए। मक्खी है, जो मक्खी को मिलाना है आपको, दोनों साइड मक्खी, ये भी मक्खी, ये भी मक्खी है, आएगी नहीं यूं तुम्हारे भी डाल सके। तो
ग्यारह बज गया होगा बारह पचास होगी। ये रिंग पाने से बोल्ट भी चेक करना है। ये आरटी बोल्ट भी एक्सरे का लोड लेना है। ये किरण का जो मक्खी का निशान है, ये निशान ऊपर करना चाहिए। किराया लगा थी टेम पे, हल्का तौर आन दो, हल्का तौर, बस 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 बस। अब फिराइल लगाओ तो को फिराइल आगे दो लगा थी कट जाएगी। ये फिराइल इस तरीके से फिटिंग करना चाहिए। ये क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट खोले जा रही है, इस तरीके से खोलना पड़ती है इसको। ये ओरिजिनल क्लच प्लेट है, देखना आप इसको। ये ग्रुप का फर्क आता है, ग्रुप का भी ध्यान रखना इनका। ये ओरिजिनल जो क्लच प्लेट की खासियत है, ये तांबे के तार लगे हुए रहते हैं इसके अंदर, ये लगे हुए, देखो आप गौर करो उस पर, ये दिख रहा है, ये तांबे के तार लगे हुए इसके अंदर। हमेशा ओरिजिनल क्लच प्लेट डालने से सही साठ पकड़ रहती है ट्रैक्टर में। अगर ओरिजिनल क्लच प्लेट डालेंगे अपन तो सही साठ चलेगी वो। ये क्लच प्लेट डालना चाहिए हमेशा, कभी भी ख़राब होती है तो। ये बोल्ट पे लोड ले जा रहा है, ये फिराइल के बोल्ट इस तरीके से टाइट हो रही है। ये इस पे आखिरी लोड हो रहा है इस पे। ये बोल्ट भी लॉक हो रहा है इसके। ये फ्रेशर प्लेट है, फिंगर खराब हो चुके थे इसके, फिंगर चेंज कर रहा है। क्लच प्लेट पूरी तरह फ्री नहीं हो पा रही थी, ये पुराने वाले फिंगर है। ये नए फिंगर है। ये क्या नाम है इसका? चल लगा।
इसकी मेन फिंगर की साइज़ रखनी है आपको 11 mm में, स्केल से मिलानी है, 11 mm में आनी है, आना चाहिए मेन वाली, मेन फिंगर जो मेन क्लच पर रहती है ट्रैक्टर चलने वाली, वो आना चाहिए अपने 11 mm में। और ये वाली आना चाहिए अपने पीटियो शाफ्ट पर चलने वाली क्लच प्लेट, पीटियो जो मशीन चलती जिससे, ये आना चाहिए 2 mm में, मतलब 80 थाउ में। ये ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कसेंगे हम। दबाओ बेटा दबाओ, जान अंदर दबाओ, दबा के रखो, दबा के जान अंदर। लंबा उल्टा लगा ले मेरे, चलो दबाओ टायर दबाओ। जान दो अंदर, जान दो, दबाओ 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 और दबाओ। बैठ गया, हो गया फ्री हो गया बिल्कुल एकदम। जान दो पूरा अंदर दबाओ, हाँ बैठ गया पूरा कंप्लीट।